मेरी बहन मेरे को बोलती है कि तू पहली शादी कुंवारी रहते हुए तेरे बाप ने क्यों दिया। मेरे बाप ने गरीब और मजबूरी से दिया और इनकी शादी हो जाती है, एक लड़का है इनका। वो लड़के से मिलाया? नहीं मिला। यही दो लड़का मैंने भाई उन लोग को दे दिया। मैंने नहीं लिया। अभी तो बोल रहे नहीं हुई, अभी बोलते दे दिया। क्या लड़का तो मैं, अरे लड़का मेरे पास कहाँ है? और ये मेरा मजबूरी का फायदा यही उठा रहे। मेरे बाप मरे जब से मुझे शुरू है तकलीफ। बाप की मैयत वहाँ थी घर पे और ये डायरेक्ट बोले आप तेरा रिश्ता खत्म। बिल्कुल देगी वो, अगर वो तलाक की कसम खा ली तो उस पर भरोसा नहीं है। अभी क्या बात हो रही है, लिखत की बात कर रहे हैं, क्या लिखवा? भागती है, मैं मानता हूँ औरत गलत है, लेकिन औरत भागती तो औरत गलत होती ना। वो 5 महीने से लोगों की बर्तन मार के 2 बच्चों लेके जी रही है कैसे कैसे मोहल्लों वाले सामने। ये मर्द होकर के 5 महीने से गायब है, भाग रहा है बाहर रहा और आज फिर लेकर आए समझाए बुझाए। उसके बाद वो बहुत मुश्किल से महीना भर नहीं रहा, फिर लापता हो गया। अभी 5 महीने से ये लापता है, ठीक है, फोन करता है, गाली गलौज करता है, लेकिन घर पे नहीं गाली दिया। और आज आया है, आके अपनी वाइफ को मार रहा है। अरे भाई फोन कर, उनका सामान मेरा है, घर मेरा है, तू निकल। अभी वो बिचारी कहाँ जाएगी? और अपने भाइयों से भी वो तुड़वा दिया रिश्ता। बिल्कुल देगी वो, अगर वो तलाक की कसम खा ली तो उस पर भरोसा नहीं है। मैं अभी क्या बात हो रही है, लिखत की बात कर रहे हैं, क्या लिखवाएगा? क्या लिखवाएगा वो? मैं जब लिखवाने के बारे तब बोलूं। अरे अब भी लिखवाएगा तू तेरा बता, तू तेरा बता क्या लिखवाना चाहता है? वो जब बताएगी ना भाभी, तुम तकलीफ बताओ, तुम तकलीफ बताओ, क्या क्या तकलीफ बताई है? अभी वो छोड़ दो, अभी वो कितने दिन से घर पे नहीं आया और आज क्या किया है, क्या करता है अभी? बोलो क्या दिक्कत है? यही है, इन्हें बार बार शक करेंगे, आएंगे, झगड़ा करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, लड़ेंगे, चले जाएंगे, फिर बोलेंगे अड़ोस में बात मत कर, पड़ोस में मैं बात नहीं करूंगी, मान लूंगी, फिर इन्हें छोड़ के चले जाएंगे। तो सहारा मेरे को यही मान लिया, कितने दिन के बाद आया हूं, 5 महीने बाद आए पूरा उन्होंने। और जो भी भाइया है मेरे, मेरे को बोल रहे की वहाँ पे आ जाओ, मैं रिश्ते के वास्ते यहाँ पे बर्तन दूसरों के धो के बच्चे ये दोनों को संभाल रही हूँ। दो बच्चे हो, दोनों को भी लो, साथ में लो, साथ में लो बेटा। तो केस वेस करे थे क्या तुम? मैंने कुछ कंप्लेन नहीं की, इससे पहले भी लेके गए थे दोनों बच्चों को, वहाँ से लेके आए जाके मोहम्मद अली भाई, वो सब जाके लेके आए थे धार्मिक बरालपुर दोनों बच्चे। तुमको केस करना चाहिए ना, मिसिंग कंप्लेन की थी, फिर आने मिसिंग कंप्लेन ही अगर तुमको तकलीफ दे रहे तो तुमको केस करना चाहिए। गए थे एक बार केस करने, बोले आदमी का है, उसको समझा बुझा के रखो, कंप्लेंट लिए नहीं, लेकिन उसके बाद दोबारा गए नहीं है। भाई मैं यही मजबूरी से खाली हूँ कि कोई है नहीं आगे पीछे, बस और कुछ नहीं। और ये मेरा मजबूरी का फायदा यही उठा रहे। मेरे बाप मरे जब से मुझे शुरू है तकलीफ। बाप की मैयत वहाँ थी घर पे और ये डायरेक्ट बोले आप तेरा रिश्ता खत्म वहाँ से। तुम बाजू में रहते, तुम बताओ क्या क्या मतलब? पहले से एक नंबर का सक्की आदमी है, ठीक है। ये सगे भाई के साथ, अच्छा कोई भी हो, अपने भाई की कोई बहन, ये अपने भाई के साथ बोलती है लेकर कलाम पाक उठाई। एक मुसलमान होकर कलाम पाक के पास नहीं कि यकीन करता है तो फिर काहे का इंसान, ठीक है। औरत भागती है, मैं मानता हूँ औरत गलत है, लेकिन औरत भागती तो औरत गलत होती ना। वो 5 महीने से लोगों की बर्तन मार के 2 बच्चों लेके जी रही है कैसे कैसे मोहल्लों वाले सामने। ये मर्द होकर के 5 महीने से गायब है, भाग रहा है मार रहा है, और आज फिर जब उसके दिल होता आता है, जब उसको पकड़ता है। अच्छा अभी आके मारे? नहीं मारा नहीं, उसको पकड़ रहा है। क्यों पकड़ रहा है? तेरा क्या अथॉरिटी है? मैं देखो मारा मेरे सामने, वो मैं देखा हूँ, इससे पहले अभी साल भर पहले। अरे बाहर आओ मेरे, एक मिनट रुको रुको। साल भर पहले ये 2 बच्चे लेके लापता हो गया, बोला कि मेरी वाइफ का उसके भाई के साथ चक्कर है, सगे भाई के साथ, अपना सगे भाई के साथ चक्कर बता रहा है। अब इससे जब वहाँ पे धार्मिक इसके मेहमानों के पास ये गया था, हम लोग गए, मैं खुद गया था साथ में लाने के लिए, मेरे साथ मेरा एक दोस्त गया था, जो रिश्ता लगाया था वो गया था, और इसकी वाइफ, ठीक है। वहां जाने पर पंचायत बैठी, पंचायत में ये हुआ कि यार अपना क्या क्या वजह से तो बच्चे लेके लापता हो गया। तो वहां जाके उन लोगों को बोलता है मेरी औरत दूसरों के साथ भाग गई है और मैं 2 बच्चे लेके इधर आ गया, ठीक है। वहाँ पंचायत में ये फैसला हुआ, वहाँ भी उसने पैर पकड़ के माफी मांगी कि मैंने ये गलती नहीं की, फिर भी मैं कलाम पाक उठाकर बोलती हूँ मैं नहीं करी हूँ, लेकिन तुम बोलते हो अगर मैं ऐसा तो मैं माफी मांगती हूँ, मैं करी वो गुना, ठीक है। और मैंने इसको पूछा तेको कौन बोला, तो बोलता मैं अपनी आँख से देखा कि अपने भाई के साथ। क्या भाई है वो?
हाँ सगा भाई है, सौतेला भाई। मैं बोला भाई सगा नहीं है भाई, सौतेला भाई है। मैं बोला भाई सौतेला भाई है। अगर तू देखा था तो मोहल्ले वाले को जमा करता, तूने मोहल्ले वाले को जमा नहीं करा। फिर कभी बोलता है, तकलीफ ये है कि उस वक्त जब भागा बच्चे लोग को लेके, हम लोग लेकर आए, समझाए बुझाए, उसके बाद वो बहुत मुश्किल से महीना भर नहीं रहा, फिर लापता हो गया। अभी 5 महीने से ये लापता है, ठीक है, फोन करता है, गाली गलौज करता है, लेकिन घर पे नहीं आता है। और आज आया है, आके अपनी वाइफ को मार रहा है, बोलता है सामान मेरा है, घर मेरा है, तो निकल अभी। वो बिचारी कहाँ जाएगी? और अपने भाइयों से भी वो तोड़वा दिया रिश्ता कि मेरे साथ रहना तो वहाँ बातचीत मत कर। अभी उसका क्या फैसला करना उसको करके दो। अभी ये भी बोलता है जब मैं जिसको चाहूँ उससे बात कराने करने तो नहीं करने का। इसका कहने का मतलब है मोहल्ले वाले जिससे मैं बोलूँ उससे बोलना, नहीं तो नहीं बोलना। ये कौन सा तरीका है? तेरे दिल के अंदर शक है? जब औरत कुरान उठा ली, अगर हकीकत चोर हो, मुसलमान है, अगर कुरान उठा लिया तो उस चीज पे एतबार ठीक है। हाँ, कुरान पक्का होगा, खत्म हो गई। गलत बोलता है, गलत कर रहे हैं। अभी इसका जब दिल कहता है, जब आता है, जिसको सताता है, परेशान होता है। पांच अगर गलत होता है कि मेरी बहन मेरी मां नहीं है, लेकिन वो भाभी इससे पहले इसकी बहन भी तुमको गाली वाली थी फोन पे, और ये बोलता मेरी बहन मेरी माँ को है ही नहीं। लेकिन जब होता है तो वो लोग भी आके इसको दम देते, धमकी देते ये औरत को। कहाँ धमकी दी? और इसको बोलो इसका फैसला करके जाए क्या करना है। धमकी उनकी नहीं दी भाई, झूठ बात है। मेरी बहन लोगों ने कोई आके धमकी बोलेंगे ना यार, मेरा कैसे धमकी दी? यही मुझे बोलती कि छोड़ दे मेरे भाई को। कैसे बोली छोड़ दे? तो डबल शादी। अरे यार तू बोलता है एक बार मेरा कोई नहीं, फिर कहां था? वो लोगों ने कोई नहीं है, वो लोगों ने कुछ नहीं किया। लोगों ने एक लड़के को, रुको रुको, एक लड़का इसका 15 साल का कहीं है, उसको मदरसे में रखा है और अपनी वाइफ से मिलाता नहीं है। नहीं रखा मदरसे में भाई, कोई नहीं है। उसको ये बोलती है मिलाने के लिए तो फोन पे बात करा है, लेकिन मिलाया नहीं। झूठ बात है, झूठ बात है। मेरे को बोलती है कि तू पहली शादी कुंवारी रहते हुए तेरे बाप ने क्यों दिया? मेरे बाप ने गरीब और मजबूरी से दिया और इनकी शादी हो जाती है, एक लड़का है इनका। वो लड़के से मिलाया नहीं, तो लड़का मैंने भाई लोग को दे दिया। मैंने नहीं लिया। अभी तो बोल रहे नहीं हुई, अभी बोलता है दे दिया। क्या लड़का तो मैं, अरे लड़का मेरे पास कहाँ है? अभी शादी नहीं हुई तो लड़का कहाँ से?